बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्या आपने सोचा था जिस तरह से स्मिथ को अभी इंटरनेशनल लेवल पे जो सम्मान मिला है हर जगह सेलेक्ट हुई, क्या आप दोनों ने सोचा था कि यहाँ तक जाएगी? एक्चुअली देखिए, जब बनाना शुरू किया था तो ऑब्वियसली शुरू में ये नहीं सोचा था कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे। पहली जो चीज़ वो थी वो ये थी कि यार हम फिल्म को बना लें जिस तरीके से हम चाहते हैं फिल्म को बनाना और जो कहानी हम कहना चाहते हैं। सो एज अ डायरेक्टर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत खुशनसीब महसूस करूँगा कि मुझे जो टीम मिली, चाहे वो मेरे एक्टर्स हों, क्रू हो, वो भी इक्वली क्रेजी थे। अगर मैं उसको अपनी भाषा में बोलूँ तो उतने ही पागल थे वो लोग भी, कि उसने जिस तरीके से सपोर्ट किया। हमने जिस तरीके से पूरी फिल्म बनारस में शूट की, हमने 8-9 दिन गोरिल्ला शूट किया, और जिस तरीके से पूरी टीम और क्रू ने काम किया, आई थिंक उसी की वजह से ये फिल्म उस तरीके से बन पाई जिस तरीके से आज है वो। और उसके बाद हमने सोचा था कि जर्नी शुरू करेंगे फेस्टिवल्स की, तो क्योंकि हमने फिल्म अपने ही, कोई फंडिंग वंडिंग, कोई फिनेंसर नहीं था, हमने खुद अपने पैसे से, मैंने और मेरी जो पार्टनर है, मेरी वाइफ, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर है, हमने अपनी सेविंग्स लगा दी थी। तो फिल्म को सबमिट करने के लिए भी, जो फेस्टिवल्स में सबमिशन फीस लगती है, वो सबमिट करने के लिए भी हमारे पास पैसे बचे नहीं थे। तो हमने दो फेस्टिवल्स में, जो हमारे लिए लगता था कि ये सबसे बड़े फेस्टिवल है, उसमें हमने सबमिट कर दी, और लकीली जो है उन दोनों फेस्टिवल्स में फिल्म सेलेक्ट होगी। और उसके बाद जो है फिल्म को इनवाइट्स आने लगे वहीं से ही, जिसकी वजह से हम लोग ने आज 32 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में मतलब सेलेक्ट हुई फिल्म, स्क्रीन हुई, और बहुत सारे, और खुशी की बात ये थी कि बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल में वो आइदर ओपनिंग फिल्म थी या क्लोजिंग फिल्म थी, जो कि बहुत रिस्पेक्ट की बात है एक फिल्म के लिए। तो वो शायद इसी वजह से हो कि क्योंकि जिस तरीके की हमारी टीम थी, जिस तरीके से स्क्रिप्ट लिखी गई थी, उस तरीके से मैं कैन कर पाया टीम की वजह से, तो इस वजह से सिलेक्शंस भी हुए। तो हाँ, 32 में से दो जगह सेलेक्ट किए, तो 30 जगह के जो सबमिशन फीस वो भी बच गई। और जैसे मैंने कहा कि फिल्म को सराहा बहुत ज़्यादा गया, और जैसे हवाई में क्लोजिंग फिल्म थी, हवाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल USA में, कनाडा में ऑटवा फिल्म फेस्टिवल में क्लोजिंग फिल्म थी, सार्क में ओपनिंग फिल्म थी, सिडनी में क्लोजिंग फिल्म थी, और भी मतलब मैं भूल गया अभी कहते कहते, इफ़ी गोवा में एक स्पेशल मेंशन मिला था हमें, केरला में जो है एक्सेलेंस अवार्ड मिला था, कई सारे फेस्टिवल्स में हमें व्यूअर्स चॉइस अवार्ड मिला, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आ रही थी फिल्म। इन द सेंस कि फेस्टिवल्स में एक धारणा बन जाती है ना कि फिल्म फेस्टिवल की फिल्म है तो एक सर्टेन तरीके की होगी, कि मतलब अरे उसमें कोई मैसेज होगा या बड़ी आर्टी सी स्लो सी फिल्म होगी। पर हमारी फिल्म को कई जगह जो एक टैग मिल जाता था कि ये बड़ी अनफेस्टिवल फिल्म है, तो मैं पूछ दिया अभी एक फेस्टिवल में कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, कह रहे नहीं इसमें तो हम पूरी फिल्म में बड़े एंटरटेन हुए, हंसते खेलते हमने जो है पूरी फिल्म देख ली, तो इस वजह से हमें व्यूअर्स चॉइस अवार्ड मिले। मतलब मैं सही बताऊं तो जब मामी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म की स्क्रीनिंग थी, सो यहाँ पे 5 जगहों पे थी, तो एक जगह जब स्क्रीनिंग पे थे तो सुलगना ही जब आई तो इन्होंने देखा कि एंट्रेंस पे हमारी टिकट्स जो है 80% फुल हो चुकी थी, 20% रखी जाती थी कि वॉक इन होगा, तो ये जब आई तो इन्होंने देखा कि ऐसे क्यू थी दरवाजे के पास, तो इन्होंने आके पूछा सर ये हमारी फिल्म के लिए? मैंने कहा करी हर साल मैं लाइन में लगते देखती थी, आज मतलब इतने सारे लोग हमारी फिल्म। तो वहीं से हमारा एक, हम काफ़ी इंकरेज्ड हुए। और फिर मैं कहूँ तो एक डायरेक्टर को या एक एक्ट्रेस को या जो भी फिल्म से एसोसिएटेड है, उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि हाउसफुल का बोर्ड दिखना। तो हमें मैक्सिमम फिल्म फेस्टिवल्स में उसकी आदत हो गई थी कि हाउसफुल होता था, क्योंकि लोगों को मज़ा आता था फिल्म। आप अपनी जगह मैम थोड़ा सा, क्योंकि ट्रेलर तो बहुत लोगों ने देखा, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए मैं चाहूंगा सर डिटेल में बताएं व्हाट द फिल्म इज ऑल अबाउट। तो फिल्म एज यू कैन सी फ्रॉम द ट्रेलर इज अबाउट द प्रेजुडिस विद फेयर स्किन एंड डार्क स्किन, कि कैसे लोग स्किन के हिसाब से ब्यूटी को मेजर करते हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि मैंने इनफैक्ट कभी भी कोई फेयरनेस क्रीम के कभी ऑडिशन भी नहीं दिए, बिकॉज मैंने ऑलवेज यही बिलीव किया कि स्किन कलर से ब्यूटी डिफाइन नहीं होती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है हमारी, नॉट जस्ट इंडियन सोसाइटी, वर्ल्ड ओवर लोग स्किन कलर को इतना ज़्यादा महत्व देते हैं और उसी से डिफाइन होता है कि कोई सुंदर है कि नहीं सुंदर है, जो कि बहुत ही मतलब इट्स अ वेरी, वी नीड टू स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट, बिकॉज ब्यूटी इज़ फ्रॉम विद इन। एंड मैं ऐसे ब्यूटी पैजेंट वाला आंसर नहीं बोल रही हूँ, एक्चुअली अ पर्सन इज एज ब्यूटिफुल एज दे आर एज अ ह्यूमन बींग, मुझे ऐसा लगता है और मैं एक्चुअली बिलीव करती हूँ। और इस फिल्म के थ्रू हम यही चाहते हैं कि हमारे जैसे और भी लोग हों जो इस चीज़ को बिलीव करें और किसी के स्किन कलर की वजह से उन्हें जज ना करें। या ये बहुत कॉमन है, हर कोई कहता है अरे उसका रंग दबा हुआ है, ये जो वर्ड है ना ये हम चाहते हैं कि
थोड़ा सा मतलब इट्स एन एंटरटेनिंग फिल्म, तो हम चाहते हैं इसके थ्रू, एंटरटेनमेंट के थ्रू थोड़ा सा मैसेज लोगों के पास जाए और लोग समझे कि फेयरनेस इज नॉट एवरीथिंग एंड बीइंग फेयर डजंट मीन यू आर ब्यूटीफुल। आपसे एक सवाल है कि आप ये जो अपने कहानी आपने खुद लिखी है, लेकिन क्या सोचते थे मतलब ब्यूटी में बनाना चाहिए आपका सब कोई इस तरह का, आपका फैमिली में कुछ हफ्ता हुआ? सो जैसे क्या होता है कि जब हम अपनी पहली जो भी फिल्म हम या जो भी कहानियां हम लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आम जिंदगी अपनी जिंदगी से निजी जिंदगी से निकल के आती, तो ये भी वैसे ही निकल के आई। मैं जॉइंट फैमिली में पला बड़ा हूँ तो हमारे यहाँ भी बहुत अलग अलग कलर और शेड्स के लोग हैं, मेरे भाई बहन हो, कजन्स हो, तो मैंने अपनी ही फैमिली में चीज़ें देखी थी कि मेरी कजन्स हैं जिसमें एक बहुत फेयर है, एक उतनी फेयर नहीं है, जिसको कहा जाता है कि रंग दबा हुआ है, मेरे से छोटी हैं दोनों, लेकिन वो बचपन से वो थोड़ा बहुत चाहे वो रिलेटिव्स हों या कोई लोग भी घर आता तो कहीं ना कहीं वो देखता था कि भाई जो ज़्यादा फेयर है मेरे लिए तो दोनों ही उतनी अजीज़ हैं, उतनी प्यारी हैं मेरे लिए, लेकिन दूसरों का जो नज़रिया होता था वही होता है कि जो ज़्यादा फेयर है उसकी तरफ ज़्यादा प्रेफरेंस देना, ज़्यादा लाड करना, और जो नहीं है उतनी उसको कुछ भी बोल देना। मतलब हम रियलाइज़ भी नहीं करते अपनी ज़िंदगी में, हम कुछ भी बोला रहे कालू है, यू नो ऐसी बातें हम बोल देते हैं, बट उस पर्सन को क्या फील होता है वी डोंट इवन थिंक, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग जो है ना ऐसी हो चुकी है, तो वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली जब हम बड़े हो रहे होते हैं बचपन में ये चीज़ें उस तरीके से मतलब इफेक्ट करती है, बट हमें मुझे नहीं रियलाइज़ होता कि ये बात ये रह जाएगी मेरे साथ। तो जब कहानी एक फिल्म जब अपनी पहली फिल्म बनानी थी कि मुझे बनानी है एक कहानी कहनी है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में थी, वो आई कि यार हाँ ये एक ऐसा इशू, इसको एड्रेस किया जा सकता। अब क्योंकि एक इशू थी, एक ऐसी थीम पे फिल्म बना रहे थे हम लोग, तो पर मेरे लिए एज अ फिल्म मेकर ये चीज़ होती है कि सिनेमा जो है वह एक एंटरटेनमेंट का माध्यम है, कहानी कोई भी कह रहे कहना चाहते हो हम वो एक बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट के साथ ही कहना चाहिए, क्योंकि थिएटर में लोग जो है या कहीं भी लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। तो फिर मैंने जब स्क्रिप्ट लिखी तो उस मुद्दे को जहन में रखते हुए उस कहानी को मैंने कहा, लेकिन उसको पिरोया जो उसका नैरेटिव था बहुत ज़्यादा ह्यूमर, बहुत ज़्यादा थ्रिल के साथ मैंने प्रेजेंट किया, जिसकी वजह से जो आज इतने फिल्म फेस्टिवल्स में जो हमें सराहना मिली वो इस वजह से मिली कि वो एक जैसे कई जगह बोला गया फिल्म फेस्टिवल में कि यार इस मुद्दे को इस तरीके से कहा जा सकता है ये हमने सोचा नहीं था, जिसकी वजह से फिल्म को सिलेक्शन में आसानी होगी मेरे ख्याल से। और जब हमने जब ट्रेलर अभी लॉन्च किया हमने दो दिन पहले, तो जिस तरीके से ट्वीट्स हुए, जैसे ट्विटर पे ट्रेंडिंग था वो, या जिस तरीके से उसके लाइक्स और व्यूज़ बढ़ने शुरू हुए, तो वो कनेक्ट किया जो ट्रेलर ने बहुत कनेक्ट किया, और क्योंकि उसमें ह्यूमर के साथ कही गई है तो उसका इम्पैक्ट मेरे ख्याल से अच्छा पड़ा है, शायद मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ, तभी लोग इतना लाइक दे रहे हो, इतना प्यार दे रहे हैं ट्रेलर को। तो यस एज अ मेकर तो हम लोग खुश हैं कि जिस तरीके से रिस्पांस मिला है। कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जी जी, कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट आल्सो रिमाइंड मी ऑफ यू नो व्हाट भूमि पेडनेकर हैव डन इन बाला, किसी फेयर हीरोइन को लेके उसे काला दिखाना उस पे आपका क्या? देखिए मैं सही बताऊँ तो मेरी दोनों जो हीरोइंस हैं, सुलगना यहाँ बैठी हुई है, खुशबू अनफॉर्चुनेटली यहाँ है नहीं, इंडिया में है नहीं, वो रहती तो आप लोग देखते, वो भी खुद बहुत खूबसूरत है। तो मेरे लिए जब कास्टिंग की बात आई तो मैंने कहा कि यार खुशबू को मैं पहले से जानता था, तो मैंने जब उसको फ़ोन किया ये किया फिल्म बनाए, तो उसने भी सीरियसली नहीं लिया मुझे कि मैं हीरोइन की तरह लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो बेचारी खुद एक जर्नी से आई थी, शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, लेकिन उसको खुद इन चीज़ों का सामना करना पड़ा था कि इतना टैलेंट होने के बावजूद भी उसे काम नहीं उस तरीके का मिला जो वो डिजर्व करती है, ओनली एंड ओनली बिकॉज कि उसका कलर जो है वो शायद ऐसा नहीं है या ऐसा नहीं है, इस वजह से। तो मेरे लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा, जैसे लोगों ने कई लोगों ने कुछ ऐसे एक्ट्रेसेस का नाम लेके इनको ले लेते हैं, इनको थोड़ा सा हम लोग शेड दे के थोड़ा डार्क कर देंगे ये वर्क कर जाएगा, बट मैं बहुत एडमेंट था कि नहीं, मैं कहानी जब कह रहा हूँ कि ये एक सो कॉल सांवली या गोरी लड़की की, तो मैं कास्टिंग भी वैसे ही करूँगा, मैं किसी गोरी एक्टर को या एक्ट्रेस को जो है मैं उसका शेड नहीं चेंज करूँगा। अब भाई अब क्योंकि फिर मतलब मैं जिस मुद्दे को कह रहा हूँ मैं उसी के प्रति फिर मेरी जो है मैं कहूँ तो मैं सच्चाई से नहीं कहूँगा अगर मैं किसी गोरी एक्ट्रेस को कास्ट करके उसको, अब जैसे आपने एग्जांपल दिया एक फिल्म में कि भूमि पेडनेकर जी जो कि बहुत कमाल की एक्ट्रेस है कि उनको कास्ट किया गया और उनको जो है, सो खैर वो उन फिल्म मेकर की उनकी अपनी सोच थी उन्होंने क्यों किया, पर मेरे से पूछेंगे तो मेरे लिए भाई क्योंकि मैं इस मुद्दे को एड्रेस कर रहा हूँ तो वैसी ही एक्ट्रेस मुझे चाहिए और जो कि कमाल की एक्ट्रेस है। तो मैं क्या आप मानते हैं जैसे अभी अक्षय ने कहा कि जिस एक्ट्रेस का उन्होंने जिक्र किया कि इंडस्ट्री में काम उतना नहीं मिला, शी इज अ ब्रिलियंट एक्टर, दिस इज व्हाट ही सेड दिस राइट नाउ, क्या आप मानते हैं कि इंडस्ट्री में रंगभेद है? देखिए अभी थोड़ा बेटर हुआ है फ्रेंकली, मतलब है वो तो इंडस्ट्री नहीं, पूरी इंडिया के इंडिया भी नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड है,
वाइट पीपल वॉन्ट टू बी ब्राउन, ब्राउन पीपल वॉन्ट टू बी वाइट. तो इट्स जस्ट इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. जैसे सर अभी बता भी रहे थे, कहीं फिल्म फेस्टिवल में गई थी तो कोरियन लोगों को जैसे पिंक फेयरनेस चाहिए बता रहे थे. तो हर किसी को एक कलर से ऑब्सेशन है, स्किन कलर से. तो हम इस फिल्म के थ्रू यही करना चाहते कि जस्ट बी ब्यूटिफुल द वे यू आर. लोगों की आप उनकी उनका टैलेंट देखिए, उनका हार्डवर्क देखिए, उनकी पर्सनैलिटी देखिए. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड स्किन कलर इज नथिंग, इज जस्ट. मैं एक्चुअली इस पर ऐड करना चाहूँगा, सॉरी आपको कट किया मैंने. मैं ऐड करना चाहूँगा, जब हम कैनेडा में थे तो हमारी फिल्म क्लोजिंग फिल्म थी वहाँ पे, और वहाँ पे एक शख्स थे जो कि नेक से नीचे पूरा पैरालाइज थे. वो फिल्म देखने आया, मैं एक्चुअली उनको जब मैंने देखा और जब पता चला कि मेरी फिल्म देखने आए हैं और बीइंग अ कैनेडियन, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए. हमारी उंगली में चोट लग जाती तो हम बहाना मार देते कि हम ये नहीं कर सकते. एक पर्सन जो इतना पैरालाइज्ड है, इतनी ज़्यादा उसके रिस्ट्रिक्शन है, वो फिल्म देखने आए. और क्योंकि क्लोजिंग फिल्म थी तो थोड़ा लंबा चल गया बिकॉज ऑफ Q&A सेशन, मीडिया, प्रेस, ये सब से. बाद में जब मैं मिला उनसे पर्सनली जाके कि थैंक यू सो मच कि आपने एफर्ट लगा के, इतना एफर्ट लगा के आपने फिल्म देखी, उन्होंने कहा कि आई थॉट द फिल्म विल बी गुड बट इट वॉज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस, बट यूर दैट एक्ट्रेस विच इज डार्क, शी इज ऑल्सो इक्वली ब्यूटिफुल, हाउ कम यू गैस थिंक दिस वे. मैंने कहा दैट इज वॉट शी इज ब्यूटिफुल. तो वो है, तो जितनी खूबसूरत ये है उतनी खूबसूरत वो है. सो एक सवाल और पूछना चाहूँगा, क्योंकि इतने सारे फिल्म फेस्टिवल में चली गई और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रही है, जी जी, ये आप माने या ना माने, हो सकता है आप ये कहें कि एंटरटेनमेंट के माध्यम से दे रही है, दैट्स द रीजन यू नो वी कैन सी द बैक यू नो अंडरस्टैंडिंग कि इतने सारे जगह सम्मानित करा गया फिल्म सेलेक्ट भी. क्या आपको लगता है कि CM शिंदे साहब या केजरीवाल बढ़िया सपोर्ट करते हैं इस तरह के सिनेमा को, जहाँ एक पैगाम सोसाइटी का है, फिल्म को टैक्स फ्री के लिए अप्लाई करा जाए, बात करी जाए? सर आपने एक अच्छा आइडिया दे दिया है कि मतलब ऑब्वियसली हमने कभी इस नज़रिए से देख, क्योंकि हम लोग अब भाई हम एक स्मॉल बजट या उस तरीके की फिल्म बनाई है हमने, तो हमने अपना सब कुछ झोंक दिया है, तो शायद इस नज़रिए से हमने देखा नहीं. पर आप सही कह रहे हैं कि अगर फिल्म टैक्स फ्री हो जाती है तो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचेगी. यू नो यही कारण था, जैसे जब मामी में फिल्म दिखाई गई थी तो या बहुत सारे फेस्टिवल्स में मुझसे पूछा जाता है कि यार ये फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है और क्योंकि इसमें एंटरटेनमेंट भी बहुत है तो ये तो थिएटर तक आनी चाहिए. पर क्या आप इसको थिएटर तक ले जाएंगे, रिलीज़ कर पाएंगे? तो मेरे मुंह से एक बात निकल गई थी जो आज सच हो रही है. हाँ, तो मैंने कहा था मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा लेकिन थिएटर तक लेके आऊँगा. तो यही चीज़, अगर इसको सपोर्ट मिल जाता हमें स्टेज से, जैसे आपने अरविंद केजरीवाल साहब का नाम लिया या आपने CM शिंदे साहब का नाम लिया, कि अगर इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाता है तो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगी. और शायद अगर हम कुछ चंद लोगों की भी सोच, जो उनका माइंडसेट है, अगर हम बदलने में सक्षम रहे तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानेंगे, सक्सेसफुल मानेंगे कि हमने फिल्म बना के मतलब आज एक अच्छा काम किया हमने, कि एंटरटेनमेंट भी किया और एक इशू को एड्रेस भी किया. सर एक सवाल है, जैसे आपने ये जो पिंकी ब्यूटी पार्लर ये टाइटल आपने कैसे लिया, क्योंकि आपको पता होगा, आपने अगर रिसर्च किया होगा, बिहार का एक लड़की है जी, जो फार्मर का लड़की है जी, जी. जो आज बिहार में सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर चला था, फ्रेंचाइजी है जी, उनका नाम पिंकी ब्यूटी पार्लर. अच्छा. और उनको पर नेटफ्लिक्स ने, नेटफ्लिक्स उनके ऊपर कहानी मतलब डॉक्यूमेंट्री बना. अच्छा, तो मुझे लगता है कि वहां से तो चुराया नहीं आपने. देखिए कहानी जब मैंने कंप्लीट की, आई डोंट नो ये कब से उन्होंने किया है, जब कहानी हमने पहली बार जब कंप्लीट की थी तो ये कई साल हो गए, पेंडेमिक के पहले की बात है. नहीं एक्चुअली आप देखेंगे पिंकी ब्यूटी पार्लर एक यारी रोड में भी है. पिंकी ब्यूटी पार्लर हमारे अब मुझे नहीं पता. तो क्या होता है कि जब आप छोटे शहरों में जाएंगे ना, जब मैंने रियलाइज़ किया, जब मैं रिसर्च करने लगा तो मैं बनारस के पास एक छोटा शहर है गाजीपुर, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो बनारस और गाजीपुर में मैंने बहुत रिसर्च किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार हर गली में दो दो चार चार ये ब्यूटी पार्लर्स हैं और उनके नाम ऐसे ही हैं, पिंकी, बबली ब्यूटी पार्लर ये. तो जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तो मैं अपनी एक कैरेक्टर का नाम पिंकी रखना चाहता था कि जब वो पैदा हुई होगी तो बिकॉज लाइक इनका कैरेक्टर पिंकी है और ये बहुत फेयर है, जैसे आपने देखा तो इनका रंग बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा फेयर है. तो हमने ये इस तरीके से रखा कि भाई उनकी मदर ने या फादर ने ये नाम रखा होगा पिंकी. जो दूसरी कैरेक्टर है जो उतनी फेयर नहीं है, गोरी नहीं है, तो उसका हमने नाम रखा बुलबुल, जो चिड़िया होती है, बुलबुल चिड़िया जो डार्क होती है. तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए हमने ये रखा था. और आप कहानी देखेंगे तो आप समझेंगे कि इसका पिंकी ब्यूटी पार्लर नाम क्यों है. यू नो क्योंकि वो बड़ी बहन जो है पार्लर चलाती है लेकिन वो अपनी छोटी बहन से इतना प्यार करती है, इतनी मोहब्बत और स्नेह है कि उसने अपनी छोटी बहन के नाम पे वो पार्लर रखा है. तो जो आप कह रहे हैं तो मुझे नहीं पता था. खैर अच्छी बात है कि ऐसे और भी लोग हैं. तो
इसलिए आप दोनों से भी जानना चाहूंगा क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑडियंस से, व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड व्हाट यू थिंक अक्षय इज अ यूएसपी ऑफ द फिल्म, दो एवरीवन इट इज वेरी मच क्लियर कि यूएसपी क्या है, लेकिन फिर भी सी मैं अगर इसकी यूएसपी मैं कहूँ ना, जो हमें क्योंकि लकीली हमें क्या होगा कि हमें ऑडियंस रिएक्शन ऑलरेडी मिल चुका है, जो फेस्टिवल ऑडियंस थी उससे मिल चुका है, तो आज मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि क्या उन्होंने ग्रास्प किया, उनकी जो हमें सबसे ज़्यादा रिस्पांस मिला वो ये कि यार एक ऐसे मुद्दे को इतने एंटरटेनिंग तरीके से कहने के बारे में, इवन फेस्टिवल डायरेक्टर्स ने बोला कि हमने नहीं सोचा कि जब फिल्म सबमिट हुई थी कि यार एक ऐसे मुद्दे पे इतने इस तरीके से कहा जा सकता है, तो मेरे ख्याल से जो इसका नैरेटिव है, जो कि जो कहने का अंदाज है, जो कहानी कहने का अंदाज है, बहुत एंटरटेनिंग है, और मैं कहूँ तो उसमें काफ़ी मल्टी जॉनर फिल्म हो जाती है कि ह्यूमर तो है ही, उसमें ब्लैक ह्यूमर है, उसमें हु डन इट थ्रिलर भी है कि उसमें भाई एक मर्डर मिस्ट्री टाइप कहानी शुरू होती है, तो इसका जो सबसे ज़्यादा जो यूएसपी है उसका नैरेटिव है कि हमने जिस तरीके से कहानी कही है, जब हमने लोगों को फिल्म दिखानी शुरू की, जैसे हमने कई फोकस स्क्रीनिंग्स की जहाँ जिनको हमारे बारे में पता भी नहीं है ना, वो मेरे जानने वाले हैं, उनका यही कहना था कि यार ये फिल्म पे बड़ा नया अंदाज है कहानी कहने का, तो मेरे ख्याल से उनका जो कहना है कि नया अंदाज, तो शायद वही यूएसपी है कि नए तरीके से कहानी कही गई है। आप दोनों क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस से, व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म, गेट एंटरटेन, यू विल हैव फन, एंटरटेनमेंट विद अ मैसेज, और जैसा आप लोगों ने ट्रेलर में भी देखा होगा मेरा भी कैरेक्टर जो है वो भी फ्रस्ट्रेशन में कहता है कि हम ज्यादा गोरे तो हमारी इसमें क्या मतलब क्या गलती है, सो ये भी एक पॉइंट है, जैसे इन लाइफ ऑल्सो अगर कोई मुझे बोल दे कॉम्प्लीमेंट दे कि ओ यू लुक सो ब्यूटीफुल, आई मीन आई हैड नथिंग टू डू विद इट, मैंने कुछ कराया तो नहीं है, सोच रही वो मेहनत वाला काम है, ठीक है, तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट हाँ हाँ मैंने करवाया तो ठीक है, बट यू जस्ट बर्न लाइक दिस राइट, आई हैव नथिंग टू डू विद इट, आई वुड रादर वांट पीपल टू अप्रिशिएट माई वर्क, यू नो, सो इसमें सर ने इतना अच्छा कैप्चर किया कि इट्स नॉट जस्ट द फ्रस्ट्रेशन ऑफ दैट, हर कैरेक्टर का इन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है, तो आई थिंक एवरीबडी विल रिलेट टू इट, कि और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आई डोंट थिंक इंडिया में या कहीं पर भी कोई भी है ऐसी फैमिली जिसने ये कभी फेस नहीं किया है कि फेयर और डार्क ये डिफरेंस कभी देखा नहीं है, तो हम चाहते हैं होपफुली विद दिस फिल्म वी मेक अ वी ब्रिंग अबाउट अ चेंज, और लोगों की ब्यूटी उनके स्किन कलर से मेजर ना करें, और वही हमारा मेन एम है, और ऑफकोर्स टू गेट एंटरटेन, इट्स अ वेरी डार्क कॉमेडी, एंड मेन मुझे लगता है किसी भी फिल्म में ना कि आपको बोर नहीं करनी चाहिए कोई भी फिल्म की, आपको बीच में आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओ कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, जो कि हमारी फिल्म में है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अरे आप भी तो पता है आगे क्या होना है, फिर मजा लिया था फिल्म में, इस फिल्म में वही ब्यूटी है दैट इट्स मतलब पूरी फिल्म में आप एंगेज रहेंगे थ्रू आउट द फिल्म, आप एंटरटेन रहेंगे, एंड प्लस आपको एक मैसेज भी मिलता है विच इज अ ब्यूटिफुल मैसेज, एंड जिस तरह से सर ने पैकेज किया है विदाउट टू मच ज्ञान इज द ब्यूटी ऑफ द फिल्म, और इसका हाँ एक और चीज ऐड करूंगा कि जैसे इसका म्यूजिक भी एक यूएसपी है हमारा, जो अब जो टैल्कम पाउडर सॉन्ग जो कि रिलीज हो चुका है, जो काफी सराहा जा रहा है, काफी पसंद कर रहे हैं लोग, अब तो रील्स और क्या क्या चीजें बन के आने लगी है हमारे पास टैल्कम पाउडर सॉन्ग करके, तो वो भी एक है कि आपको जिसको गाना पसंद है तो उसमें गाने भी बहुत अच्छे हैं, ह्यूमर तो है ही हमारा, जिसको थ्रिलर पसंद है तो इसमें हु डन इट थ्रिलर भी है कि किसने ये चीज़ की है, लाइक जैसे सुलगना कह रही है कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल है वो, तो आई थिंक इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।